हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो जो है आप लोग को थंबनेल से पता चल गया है आज मैं क्या आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। मुझे आप लोग से बात करने से मतलब बहुत अच्छा लगता है। मुझे कमेंट आया था कि अभी आप प्रेगनेंसी में, शायद कुछ कमेंट था कि आप अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ज़्यादा वीडियो मत बनाया कीजिए। ये बात ठीक है, बट जो है मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। मुझे जब भी फील होगा मैं अनकम्फर्टेबल हूँ, वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, देन मैं नहीं बनाऊँगी। तो अभी जो है मैं कंफर्टेबल हूँ, और बाकी रहा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, हस्बैंड सुबह जाते हैं फिर आते हैं रात को, और मेरा मदर इन लॉज है, उनको तो मतलब हाँ वो उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, बट वो थोड़ा घर में खाना जैसे बनाते हैं और उसके बाद घर का काम भी थोड़ा करते हैं, उसके बाद जो है बाकी टाइम उनको भी थोड़ा रेस्ट का ज़रूरत है। तो हमेशा मैं बकबक नहीं कर पाऊँगी उनके साथ, तो जितना टाइम हो सकता है वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और बाकी टाइम बहुत है। मुझे तो अभी बेड रेस्ट, कम्प्लीट बेड रेस्ट मतलब मेरे हिसाब से 24 आवर से मैं 2 आवर होगा जो उठती हूँ, बाकी जो है 22 आवर बेड पर ही रहती हूँ। तो अगर ये टाइम मुझे स्पेंड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि मेरा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा आप लोग के साथ शेयर करने का बाद। तो ये एक चीज़ है वीडियोस बनाने का, और दूसरा जो है मतलब इतना प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन मेरा चल रहा है कि अभी तक जो है मेरा 21 प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन हो गया है कम्प्लीट, और ये इंजेक्शन बहुत पेनफुल है अगर किसी को लगा होगा, किसी को नहीं जिसका IVF हुआ है उनको लगा ही है। जब आपको डे 14 में सोनोग्राफी करने का बाद ही दिया जाता है, 5 या 6 रहता है, तो मेरा जो था 6 था। अभी तक मेरा 21 प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन हो चुका है, कमर में लेने से बहुत पेन होता है, अभी भी मेरा पेन है। आज जो है मेरा प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लास्ट है, तो ये इंजेक्शन में बहुत पेन होता है, इसके वजह से भी सोने में मुझे बहुत तकलीफ होता है, बट क्या करें, जितना दुख जितना तकलीफ सब सह लेंगे, बट परिवार से यही प्रे है कि सब कुछ प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, सब कुछ ठीक रहे। तो जो है हाँ, और एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा दुख लग रहा है, मेरा बहन का जो है शादी फिक्स हो गया है, जून में होने वाला है, डेट नहीं निकला है बट जून लास्ट को होगा आई थिंक। तो इस बात का दुख है मुझे थोड़ा सा, मैं नहीं आ जा पाऊँगी, यहाँ पे कोलकाता पे नहीं होगा, कोलकाता पे होता तो जो है मैं आई थिंक अटेंड कर पाती, बट जो है कोलकाता से 3-4 घंटा का डिस्टेंस है, तो हाँ जो है मतलब कोलकाता से 3-4 घंटा का डिस्टेंस है अगर मैं टैक्सी पे जाती हूँ, तो आई थिंक मेरा जाना सेफ नहीं है, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है जाने के लिए। अगर आप लोग का कुछ कमेंट है इसको लेके आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, बट मुझे ये ठीक लग रहा है कि नहीं जाना मेरे लिए सेफ है, क्योंकि मेरा जो है ब्लीडिंग का इशू है, ब्लीडिंग कभी कभी भी हो जाता है। वहाँ पर जाऊँगी, इतना सारा मेहमान रहेंगे वहाँ पर जाने के बाद, तब मुझे भी ठीक नहीं लगेगा, और ऐसे जो है मैं किसी को बताई नहीं हूँ प्रेगनेंसी के बारे में, वो भी रिवील हो जाएगा, ऐसे तो होने ही वाला है, मैं नहीं आऊँगी तो भी पता चलेगा, आऊँगी तो भी पता चलेगा, ठीक है देखते हैं क्या होता है। बट मेरे मैं जो ये डिसाइड की हूँ मैं नहीं जाऊँगी, यहीं से वीडियो कॉल पर देख लूँगी, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी में थोड़ा रिस्की है, तो और मैं कुछ ये करना नहीं चाहती हूँ, छेड़खानी करना। तो भाई आज पता नहीं ऐसे ही ब्लॉग्स बैठी थी, सोची ठीक है ऐसे एक ब्लॉग्स बना लेती हूँ, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। 2 दिन से एक ही ब्लॉग्स आ रहा था, एक एक अपलोड होता था, आज ठीक मैं सोच रही हूँ 2-3 ब्लॉग्स अपलोड करूँगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, फिर मिलते हैं अनदर न्यू ब्लॉग्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।